कोरोना काल होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस को मिले ताज़ा अलर्ट के मुताबिक 4 आतंकवादियों के राजधानी में प्रवेश करने की खबर है। दिल्ली पुलिस को मिले अलर्ट के मुताबिक यह आतंकवादी कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि अलर्ट में कहा गया है कि इन आतंकवादियों के पास गोला बारूद भी हो सकता है और इनका मकसद दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाना है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस अलर्ट के मिलने के फौरन बाद राजधानी के सभी बॉर्डरों पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अलर्ट में यह भी बताया गया था कि यह आतंकवादी ट्रकों के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं। ऐसे में संदिग्ध ट्रकों की तलाशी का काम जारी है, साथ ही ऐसे तमाम जगहों की भी तलाशी का काम शुरू कर दिया गया है जहां इनके छुप रहने की संभावना हो सकती है। ध्यान रहे कि चीन की सैर पर पाकिस्तान लगातार यह कोशिश कर रहा है कि भारत में किसी भी तरह से बड़े पैमाने पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया जाए, जिससे बॉर्डर के अलावा भारत आंतरिक तौर पर भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की तरफ अपना ध्यान लगाएं।